क्या चीज? प्रिज्म। वैसे प्रिज्म आगे नहीं पढ़ाया जाता है, पर हम प्लेन रिफ्लेक्शन के अंडर ही से पढ़ते हैं क्योंकि उसी का पार्ट है। इट्स अ मैथ्स काइंड ऑफ स्टफ। सो प्रिज्म को बहुत फील के साथ पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में आपको ढंग से पढ़ाऊंगा। प्रिज्म आपने देखा है? प्रिज्म देखा है कि नहीं देखा? वास्तविक जीवन में आपने प्रिज्म देखा होगा कभी, हो सकता है आपके स्कूल में अगर प्रिज्म रहा हो तो उसे कलर वलर भी दिखाए होंगे, कुछ पिन विन लगा के कराया गया होगा। तुम्हारे स्कूल में लैब थी बेटा? बिहार वालों झूठ मत बोलो बेटा। अरे हाँ ना बोले यार, तुम्हारे ठीक है लैब है ना बेटा? तबेला कहते हैं उसे, इधर देख। सो प्रिज्म क्या चीज? प्रिज्म, ऐसा आपने प्रिज्म देखा होगा, आपने कांच का टुकड़ा होता है, इसकी जो सरफेस होती है प्लेन होती है कर्व्ड होती है? कर्व्ड कौन डेवलप? अबे इंक्लाइंड है पर है तो प्लेन ही, इसलिए प्लेन रिफ्लेक्शन में ही पढ़ रहे हैं अपन। स्फेरिकल रिफ्लेक्शन इसके बाद चालू करेंगे, पहले अपन प्लेन रिफ्लेक्शन का हिस्सा है। बोलो यस और नो। तो वास्तविक जीवन में हमारे लिए प्रिज्म एक वस्तु है, प्रिज्म एक वस्तु है। पर फिजिक्स में मैं आपको कहता हूं ये एक वस्तु नहीं है, प्रिज्म एक कॉन्सेप्ट है, प्रिज्म एक जिसको सिर्फ आप इस तक सीमित नहीं रखोगे। ध्यान समझे, प्रिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, एक सोच है। वो तब लगाया जाता है जब एक रे दो इंक्लाइन प्लेन सरफेस क्रॉस करती है। जो आपने अभी तक पढ़ा उसमें तो जो सरफेसेस थी दोनों पैरेलल थी। अरे यार, सिंगल प्लेन सरफेस, डबल प्लेन सरफेस, पर वो आपस में कैसे थी? पैरेलल। अब जो पढ़ रहे हैं वो पैरेलल है इंक्लाइन है। मैं जब भी रे, मान लीजिए अपने प्रिज्म लिया, ऐसे रे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, तो प्रिज्म का कॉन्सेप्ट लगेगा। किसका लगेगा? प्रिज्म का। बोल यस और नो। स्लैब का कॉन्सेप्ट याद कर, स्लैब का कॉन्सेप्ट तब लगता था जब के एक रे दो पैरेलल सरफेस क्रॉस करती थी। याद कर अपनी स्लैब इस प्रकार की हुआ करती थी, ये 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 स्लैब थी। याद कर इससे ऐसे जाती थी, ऐसे जाती थी, ऐसे जाती थी। किसका कॉन्सेप्ट था? किसका था? स्लैब। क्या इसमें प्रिज्म का कॉन्सेप्ट लग सकता है? हाँ, ध्यान से। अगर रे ऐसे घुसे और ऐसे निकले, किसका कॉन्सेप्ट? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि प्रिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो तब लगाया जाएगा जब एक रे दो इंक्लाइन प्लेन सरफेसेस को क्रॉस करेगी। क्या ये दोनों 90 डिग्री पर है? मैं मान रहा हूं कि स्लैब और प्रिज्म एक वस्तु होती है वास्तविक जीवन में, पर ऑप्टिक्स में फील के लिए हमें समझ में आना चाहिए कि प्रिज्म के फॉर्मूले, प्रिज्म के कॉन्सेप्ट तब लगाए जाते हैं जब एक रे दो किसको क्रॉस करती है। मान लीजिए आपको दे दिया जाए, एक बार एग्जामिनेशन में सवाल आया था, ऐसे प्रिज्म तोड़ लिया, यूं कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रे ऐसे घुस के ऐसे निकल रही है तो किसका कॉन्सेप्ट लगेगा? प्रिज्म कॉन्सेप्ट। मैं तो कह रहा हूँ आप ऐसे डायमंड टाइप अपना कुछ ले लीजिए, ये ये ये, अगर रे ऐसे घुसकर ऐसे घुसकर ऐसे जा रही है तो किसका कॉन्सेप्ट? किसका कॉन्सेप्ट है? सो व्हेन अ रे इज क्रॉसिंग अ, वी विल अप्लाई द प्रिज्म कॉन्सेप्ट्स व्हेन अ रे इज क्रॉसिंग अ टू इंक्लाइन प्लेन सर्फेसेस टू। और स्लैब का कॉन्सेप्ट तब जब क्या रे क्रॉसेस टू पैरेलल सरफेसेस। क्या इस प्रिज्म में जिसे आप वास्तविक जीवन में प्रिज्म कहते हो, क्या स्लैब का कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है? मैं प्रिज्म लाया नहीं यार, लेके आता हूँ, नहीं तो बताता। बोलो लगा सकते हैं? ध्यान दे, प्रिज्म की दोनों ऐसी सरफेसेस। प्रिज्म देखा है? प्रिज्म में भी स्लैब का कॉन्सेप्ट लग सकता है। प्रिज्म ऐसा होता है, ये ट्राइंगल 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 और ऐसे जुड़े हुए, तो ये दोनों में अगर अपन ऐसे ऐसे रे घुसाओ, अरे यार अगर रे ऐसे घुसे तो जो सामने वाली सरफेस है वो उसके पैरेलल है। अरे हाँ ना बोले यार, तो प्रिज्म में भी स्लैब लग गया, स्लैब में भी प्रिज्म लग गया। अरे भाई हाँ ना बोले यार, हाँ मैं मान रहा हूँ 90% सवाल यहीं से आएंगे, ऐसे ही बने हुए आएंगे, वो एक अलग बात है, पर हमें सोच में समझ में आना चाहिए कि प्रिज्म एक सोच है जो तब लगाई जाती है, प्रिज्म एक कॉन्सेप्ट है जब तब लगाया जाता है जब एक रे दो इंक्लाइन प्लेन सर्फेसिस को क्रॉस। गॉट माई पॉइंट? अरे हाँ ना बोले यार, कोई बुराई वाली बात सोच लो, ये बात अपने को ध्यान रखनी। तो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा स्लैब का। क्या ये अपनी भाषा में तुम लोग लिख सकते हो कि प्रिज्म एक सोच है, कॉन्सेप्ट है जो तब लगाया जाता है जब एक रे दो इंक्लाइन प्लेन सर्फेस को क्रॉस करती। उतार फिर आगे बढ़ते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है क्या है वो धीरे धीरे समय के साथ अपन पढ़ेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। अब इसी में प्रिज्म में एक चीज बोली जाती है जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन या एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन या फिर एंगल ऑफ, बहुत छोटी सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई खास बात नहीं, जल्दी से सब लोग बता देंगे। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड चीज होगी, तो एंगल ऑफ प्रिज्म या एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन जो आप बोलो बोल लेना। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपका ये ऐसे एक प्रिज्म है जो इसका ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री, बताओ इसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? 50, 60, 70? ऐसे नहीं बोल सकते, डिपेंड करता है रे कैसे गई है। इस रे के लिए क्या है? क्या है सोच लो। इसके लिए कितना? 70। बोलो क्लियर। इसके लिए
60 इस रे के लिए, इसके लिए क्या ए एंगल ऑफ प्रिज्म इज द एंगल बिटवीन द टू इंक्लाइन प्लेन सर्फेसेस जिनको रे क्रॉस कर रही है? एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का ऊपर वाला एंगल हो ये कोई जरूरी ट्रिक कॉन्सेप्ट कहता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब है उन दो प्लेन सर्फेसेस के बीच का एंगल जिनको रे क्रॉस। गॉट माय पॉइंट? अपने शब्दों में लिख लीजिए, अपने शब्दों में लिख लीजिए जल्दी से फटाक से, अपने शब्दों में लिख लीजिए फटाक से। ओए तरीकी, हाँ भाई उतार लिया क्या? सो एंगल ऑफ प्रिज्म ये बात हो गई। इसमें सबसे बेजर जो डायग्राम बनाया जाता है जो आपको सबसे स्टैंडर्ड दिखाई देता है उसे समझें और देखें फील के साथ। मान लीजिए आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, मान लीजिए आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, यहाँ से एक रे घुसी जो रे घिसती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं या आप सब लोग जानते हैं। जो ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है इसे अपन आई बोलते हैं, जो ये पहला एंगल नॉर्मल के साथ बनाती है इसे बोलते हैं आर वन। क्या बोलते हैं? मान लीजिए रे यहाँ गई फिर एक नॉर्मल बनाया गया ये एंगल कहलाया आर टू। रे जो आती है उसे बोलते हैं इमर्जेंट रे, इसे बोलते हैं इमर्जेंट एंगल ई। क्या बोलते हैं? दीज आर द स्टैंडर्ड नोटेशंस ऑफ अ प्रिज्म। तुम्हारा रिस्पॉन्स बहुत डल आ रहा है, क्या मैं तेज पढ़ा रहा हूँ? तो बोलो फिर ढंग से, आई आर वन आर टू ई, कोई बुराई वाली बात? तो इमर्जेंट रे ये हो गया, ये हो गया। हमें हमेशा प्रिज्म से चाहिए होता है नॉर्मली डेविएशन। क्या चीज? पहले मैं आपको बहुत छोटी छोटी सी बातें आपको समझाता हूँ, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, कोई बुराई वाली बात नहीं। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो इस ट्राइंगल इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, ये 90 ये 90 ये 90, तो इसका और इस एंगल का सम 180 होना। इस ये एंगल कितना है? 180 माइनस आर वन प्लस आर टू। इसको इस ट्राइंगल से देखो, अरे हाँ ना बोले यार, ये एंगल है 180 माइनस नहीं आया, सोच लो। और ये एंगल और ये एंगल मिलकर 180 होना चाहिए। तो 180 माइनस आर वन प्लस आर टू इक्वल्स टू सॉरी प्लस ए इक्वल्स टू 180। 180 ने 180 को मार दिया, क्या ए की वैल्यू आई आर वन प्लस आर टू? प्योर ज्योमेट्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो आपका ए है वो आर वन प्लस आर टू है, कोई शक वाली बात नहीं। और ध्यान से सुने, हमें चाहिए होता है नेट डेविएशन। क्या चाहिए होता है? फॉर्मूले रटने की जगह समझने की कोशिश करो आप लोग, रटने की बजाय उन्हें क्या प्योर ज्योमेट्री चल रही है। हमारे लिए टफ सवाल है रिफ्रेक्शन का, और कोई खास बात नहीं। प्रिज्म इज अ टफ क्वेश्चन ऑफ डबल रिफ्रेक्शन, प्रिज्म इज अ टफ क्वेश्चन ऑफ डबल प्लेन रिफ्रेक्शन, यस और नो? इफ योर ज्योमेट्री इज गुड एंड योर कॉन्सेप्ट्स आर गुड, ये कोई नई बात नहीं। हाँ ठीक है, हम इसे नए टॉपिक में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा यूज करा जाता है इसलिए, बस। खैर हम आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कि अगर अपन बहुत ध्यान से देखे तो मान लीजिए यहां से रे ऐसे जाती, क्या ये डेविएशन डेल्टा वन होता? और ये रे ऐसे जाती तो क्या ये डेविएशन डेल्टा टू होता? क्या बेकार रेस्पॉन्स? दोनों डेविएशन दिखाई दे रहे हैं, क्लॉकवाइज हो रहे हैं। अगर दोनों डेविएशन क्लॉकवाइज दिखाई दे रहे हैं डायग्राम के हिसाब से तो क्या डेल्टा वन इक्वल डेल्टा नेट इक्वल टू क्या डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू होता? अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो डेल्टा वन आपको दिखाई देगा आई माइनस आर वन, 90 माइनस आर वन नहीं आई माइनस आर वन। डेल्टा वन कितना है? सब लोग ध्यान से देखो, समझाओ कि दिखाई दे रहा है, पक्की बात? तो डेल्टा वन इज आई माइनस आर वन। ऐसे आर टू बोलो, सब लोग बोलो ई माइनस। ओहो, क्या आर वन प्लस आर टू इज ए? सो डेल्टा नेट का फॉर्मूला आया आई प्लस ई माइनस ए। सुना सुना सा लग रहा है क्या? ये डायग्राम विद प्रूफ विद फॉर्मूले याद रहे तो कोई बुराई नहीं, पर प्रूफ वन मंदिर में बसा होना चाहिए क्योंकि अपन इसको चेंज भी करेंगे, कैसे भी आपको पता पड़ जाएगा। पर अतः जो मैं बोला क्या चमका? अब आप एक बात बहुत जनरल समझो, पहले समझना इस बात को। जनरली आपको सवाल में गिवन होता है, जनरली आपको सवाल में गिवन होता है प्रिज्म। अगर प्रिज्म गिवन है तो क्या ए और एन दोनों पता है? ए और एन, और गिवन होता है आई। सोच आपको आई पता है एन पता है, क्या आर वन निकल आएगा? सोच आर वन निकल आया ए बराबर आर वन प्लस आर टू, क्या आर टू निकल आएगा? क्या आर टू पता है स्ट्रेंथ सो लगा करके ई निकल आएगा? और ई निकल आएगा तो डेल्टा निकल आएगा। सो दिस इज द बेसिक प्रोसीजर। इफ अगर आपको
सवाल में ए एन और आई पता है तो क्या अपन पूरी पीएचडी कर सकते हैं? तो अपन पूरी पीएचडी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सरफेस पर जो लॉ लगाया जाएगा वो होगा 1 इंटू साइन आई इक्वल टू एन इंटू साइन आर वन, और दूसरी पे लगाया जाएगा एन इंटू साइन आर टू इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। बोल यस और नो। इस दो रो से आर वन पता पड़ा, आर वन प्लस आर टू से आर टू पता पड़ा, आर टू से ई पता पड़ा, ई पता पड़ा तो डेल्टा पता पड़ा। बोल यस और नो। बेसिक सवाल गिवन होगा, क्या आप लोग कर पाओगे? उतार लीजिए मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, मेरे गेंडे। अब चलिए सब लोग मिलकर सवाल करेंगे। बेसिक सवाल सब लोग करेंगे। देखिए वो हुनर, वो काबिलियत, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल प्रिज्म। कैसा प्रिज्म? इक्विलेटरल प्रिज्म। मान लीजिए इसका फ्रंट इंडेक्स है रूट थ्री। कितना है? रूट थ्री। रे गिरी 60 डिग्री पे। कितने पे? 60 पे। बताइए डेविएशन क्या होगा? सब लोग सवाल कर सकते हैं, तीनों डेटा गिवन है आपको, ए आई और एन। कर सकते हो तुम लोग? सब लोग कर सकते हो? ये सवाल मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए या सब लोग बताएंगे? क्या आर वन सफर हटी आया? मैं नहीं बताऊंगा। क्या आर वन सफर हटी आया? आर वन हटी आते ही रहे ऐसे कही, आर वन हटी आया तो आर टू, अरे तो आसान हो गया। क्या आर टू भी हटी आया? आर टू हटी इसलिए आया क्योंकि क्या ए 60 है और घुसा 60 पे, निकली 30 पे, तो निकली 30 पे तो सॉरी घुसेगी 30 पे तो निकलेगी 60। क्या फिर से ई की वैल्यू 60 आ जाएगी? अरे यार, क्या डेल्टा का फॉर्मूला होगा आई प्लस ई 60 प्लस 60 माइनस 60 60 क्लॉकवाइज? आप बोलो तो बिल्कुल ऐसा कैसा, एक और करो सोच लो। बिल्कुल ऐसा कैसा, एक और या बात बन गई है? सोच लो यार, हाँ ना बोल, एकदम पक्का? इसी स्तर का थोड़ा सा अच्छा आइए। तो हमें बात समझ आई कि भाई साहब बहन जियों, अगर देखिए मान लीजिए एंगल 15 डिग्री है, कितना है? और ये रूट टू है और रे ग्रेजिंग इंसिडेंस है। ग्रेजिंग इंसिडेंस याद है? याद है? भूल गया। रे कितना है? ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इंसिडेंस। रे ऐसे ग्रेजिंग इंसिडेंस, ये ग्रेजिंग इंसिडेंस। अब बताओ ध्यान सुनिए, आर वन कितना है? क्या आर वन सबका 45 है? एक्चुअली नॉर्मल फॉर्मूले इसमें लगा नहीं पाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये फॉर्मूले किताबों में लिखे होते हैं पर ये हमेशा वैलिड होने जरूरी, हालांकि वैलिड है इसमें भी पर उल्टा पुल्टा करना पड़ता है, इसलिए अगर कभी भी उलझन नजर आए तो अपने बेसिक पे अपने को कंट्रोल होना। अरे है तो दो बार स्टेंस लो ही, बहुत ध्यान से चलते। जब आपने डाला तो आपको दिखाई दिया कि भाई साहब जो आर आया ना, आर वन क्या चीज, वो 45 डिग्री था। कितना था? 45। अब मैंने सॉल्व करा तो आर टू तो माइनस 30 है। अरे यार आर टू क्या आया? तो मेरा दिमाग ठंगा, माइनस का क्या मतलब? उसका मतलब है हालांकि, पर अपन तो बेसिक से चलते हैं। कुछ तो गड़बड़ लगी, रे ऐसे गई, ये 45, ये 45, तो ये भी 45 और 15 60, तो ये एंगल कितना बचा? 120। अब समझना 120 का मतलब नॉर्मल ऐसे बनाओ, ये डायग्राम ऐसे बना ही नहीं,
अरे यार ये डायग्राम वैसे, ये तो नॉर्मल सवाल है, एडवांस लेवल के बता रहा हूं, देख ध्यान से, ये नॉर्मल सवाल कैसे हम लोग कर सकते हैं? अब देख ये बच गया 30, माइनस 30 पता है क्यों आ रहा था? कि वो बता रहा था कि जो नॉर्मल डायग्राम है डायग्राम उससे, अरे भाई साहब, अरे मैं तो कह रहा हूं कभी भी लफड़ा लगे क्या, बेसिक अपने को आता है? यस सर। अरे नहीं आया, आया। अब फॉर्मूला लगा वापस, जब तू वापस फॉर्मूला लगाएगा तो लिखेगा रूट टू इंटू साइन 30 इक्वल टू 1 इंटू साइन आर, तो तेरे आर की वैल्यू आएगी 45 डिग्री, सॉरी ई, तेरी ई की वैल्यू आएगी, मतलब रे ऐसे निकलेगी। अब तू समझना है सवाल को, पहला डेविएशन जो हुआ डेल्टा वन, वो डेल्टा वन था 45 डिग्री क्लॉकवाइज, जबकि जो दूसरा डेविएशन हुआ वो हुआ 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट कितना हुआ 30 डिग्री क्लॉकवाइज। और ये वही कर सकता है जो फॉर्मूला पर डिपेंडेंट है, वो नहीं कर सकता है इसको, इसको वही कर सकता है जो बेसिक से गया हो। अरे भाई साहब सवाल गलत है कि सही है? अब इतने कम लोग यस बोलेंगे तो लगता है टफ सवाल कराने का कोई फायदा नहीं है। नीट पढ़ने आए हो तुम लोग? अकल चला, कोई रॉकेट साइंस नहीं करी है मैंने, देख रहे थे कैसे आया, अक्कल लगा घूसा मार देना, मैंने अगर ज्योमेट्री नहीं लगा पाया तो, फिजिक्स नहीं है उसमें 30 कैसे आया? चला डर ही नहीं लगता बिल्कुल, क्यों मिली आंटी, लगता है मेरे से डर लगता है तेरे को? क्या बात कर रही है तू, ये ना मैं तो तेरा अपना हूं रे। सो अगेन अगेन लेट्स टेक अ गुड एग्जांपल, अगर इसका मतलब, ये लफड़ा कब आया, जब प्रिज्म पतला हो, जब प्रिज्म, ये थिन नहीं है, ये 15 डिग्री थिन नहीं होता, अरे यार थिन प्रिज्म आएंगे 3-4 डिग्री तक, वो भी पढ़ाए जाएंगे, कितने डिग्री तक? ये थिन प्रिज्म, 15 डिग्री का प्रिज्म थिन नहीं कहलाएगा, बट क्या इसका एंगल थोड़ा छोटा है तो कैसे लफड़ा हो सकता है? या मन में सोच लो, कभी भी अगर R2 के लिए नेगेटिव आने लगे तो अपने मन में कुछ और होना चाहिए, तो मन कहना चाहिए कि गो विद द बेसिक्स, गो विद द बेसिक्स, व्हाट माय पॉइंट। आइए एक और सवाल करते हैं मिलजुल के, देखिए मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, ये 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री, ये कितना बचा 150, ये एंगल रूट 3, रे गिरी 60 डिग्री पे, रे गिरी, चलो बताइए संदेश से, मैं नहीं गा रहा, पहले तो R1 कितना आया, R1 30 आया, अरे ऐसे गई कोई बुराई वाली बात नहीं, ये 30, ये एंगल, अरे ये 30 तो ये 60 और 150 210, ये ट्राइंगल में यही दो एंगल 210 के हो गए, इसका मतलब ये रे ऐसे गई नहीं जैसे आपने बनाई है, ये रे ऐसे गई है, ये है 30 डिग्री, वैसे गई नहीं रे। अरे भाई साहब तुम्हारे प्राण प्रखेरू, सुना ध्यान, प्योर ज्योमेट्री है, मुझे कैसे पता पड़ा ऐसे हो रहा है? अब जब दो एंगल का सभी 250 डिग्री, 210 डिग्री हो गया, इसका मतलब वो ट्रायंगल फॉर्म, तो ऐसे ही तो जाएगी रे। अरे कभी तो हाँ ना बोल, अब सुन, ये 30, ये 90, ये 15, ये कितना बचा 45, करेक्ट, अब सोच ये भी 45। अब और सुनना ध्यान से, रूट 3 साइन सी बराबर 1/√3, 45 बड़ा है कि छोटा है? कभी भी रे बाहर लाते हैं, रूट 3 इंटू साइन 45 इक्वल टू 1 इंटू साइन ई, अब ध्यान सुनना,
रूट थ्री साइन 45 के लिए, तो रूट थ्री बाय रूट टू इक्वल्स टू साइन ई। ये वन से बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ पे टी आई आर हो रहा है। अरे ऐसा तो तभी हो सकता है ना यार। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब रे यहाँ से भी बाहर नहीं आई, रे ऐसे गई, ये फिर 45, ये फिर 45, ये 45, तो ये फिर 30। अरे यार, और फिर रे बाहर आई कितने पे, 60। तो डेविएशन सुनना आप, पहला डेविएशन 30 डिग्री कितना, डेल्टा वन इज 30 डिग्री क्लॉकवाइज। कई लोगों के प्राण निकल गए, मैं नहीं पढ़ रहा। अरे भाई हाँ ना तो बोल, डेल्टा वन कितना 30 डिग्री। या प्लीज अच्छे सवालों में साथ दिया करो, वरना मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। प्रैक्टिकली बताओ तो आप कोटा वो पढ़ने नहीं आए थे, आप ये पढ़ने आए हो कोटा, यस और नो प्लीज। वो प्रूफ तो बारहवीं किताब में भी था ना यार, ये समझाने वाला बारहवीं में और बारहवीं का टीचर नहीं था, डिस्कशन कराने वाला वो नहीं था। प्लीज इसे मेन जगह आके तुम लोग फंस जाओगे तो मजा नहीं आएगा फिर। तो ये डेल्टा वन कितना 30, बोलो क्लियर। सो यहां पर टी आई आर होगा तो डेल्टा टू कितना, 180 माइनस 2 इंटू 45 दैट इज कितना 90। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सब लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट एंटी क्लॉकवाइज। डेल्टा 3 30 डिग्री क्लॉकवाइज, 30 डिग्री यार मुझे लगाएं तो मैं आया। तो 60 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री, तो नेट कितना हुआ 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आंसर निकालना कोई टारगेट नहीं था, टारगेट था ध्यान देख बोर्ड पे, पूरा प्रूफ कराया है। और देख ये सवाल है नॉर्मल, कैसा normal. जिसके 90% आने के चांसेस हैं। yes, पर क्या एबनॉर्मल सवाल भी आ सकते हैं। yes, एक सवाल वो जिसमें थोड़ा पतला प्रिज्म था और एक वो सवाल जिसमें normal. बोलो क्लियर है। yes, क्या मैंने दोनों अच्छी वैरायटी और नॉर्मल वैरायटी के तीनों कराई है। yes, अब डेटा कुछ भी हो सकता है, कभी भी लफड़ा लगे फॉर्मुलों में तो आपको बेसिक से जाना याद रखेंगे अपन इस बात को। गॉट माय पॉइंट, उतारिए। और देखिए, नहीं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ध्यान से। अगर आप साथ में यहां पे थिन प्रिज्म का भी जो बेसिक फॉर्मूला है उसे पढ़ लें। थिन प्रिज्म, कौन सा प्रिज्म, थिन प्रिज्म। हालांकि मैं वापस मोटे पे आऊंगा, बेसिक सा समझ लो। थिन प्रिज्म का अपन फिर यूज देंगे डिस्पर्जन में, किसमें, थिन प्रिज्म का मतलब ऐसे समझ लो तुम, जीरो से लेकर 4-5 डिग्री तक, कितनी डिग्री तक, इनको थिन प्रिज्म कंसीडर कराया जाता है, जिनका एंगल जीरो से लेकर, ये प्रैक्टिकली यूज में भी लिए जाते हैं, इससे इन पे बातें करी जाती है। अभी से फॉर्मूला समझ लो, आगे बढ़ जाएंगे फिर। पहले अपन बहुत बेसिक से बात समझो, थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म की बेसिक सी बात समझो। मान लो आपका ए बहुत छोटा है, क्या बहुत छोटा है, अब तुम समझना, ए अगर छोटा है ना, तो अगर मुझे रे को ऐसे ले जाना है नॉर्मल कोर्स में जैसे ले जाया जाता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ए अगर बहुत छोटा है तो आई भी छोटा ही होगा, वरना ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। और नॉर्मल केसेस में इसे कंसिडर, तो जनरल जो हम पढ़ते हैं उसमें ए छोटा होता है, समझना मेरी बात, क्या छोटा है, अगर ए छोटा है और मुझे रे को ऐसे ले जाना है नॉर्मल कोर्स पे, क्योंकि ए अगर छोटा है तो अगर आप आई बड़ा ले लोगे तो ऐसी सिचुएशन होने लगेगी। यार तुझे मेरी बात समझ, इसे नॉर्मल कोर्सेज में ऐसे नहीं पढ़ा जाता। तो ए छोटा है तो जनरली रेज भी कैसी ली जाती है, रे छोटी नहीं, एंगल छोटा, रे तो बड़ी है। रे छोटी का क्या मतलब है, क्या छोटा है, इसका मतलब रे कैसी ली जाती है, पैरेक्सियल, कैसी ली जाती है पैरेक्सियल, क्योंकि आई छोटा है। रेस कैसी, नी बोलाओ तो भी यही लेनी होती है, कैसी रे, तो ए भी छोटा और अब आई भी छोटा, तो क्या आर वन भी छोटा, नहीं आया। थिन प्रिज्म का मतलब ए इज स्मॉल एंड रेज आर पैरेक्सियल, पैरेक्सियल इंप्लाइज आई इज स्मॉल, ये दो कंडीशन ली, आई इज स्मॉल इंप्लाइज आर वन इज स्मॉल। ओह चूंकि ए बराबर आर वन प्लस, क्या आर वन भी छोटा और ए भी छोटा, तो आर टू भी छोटा, और आर टू भी छोटा तो बेसिकली सब छोटा। यार हाँ ना बोलिया, तो थिन प्रिज्म जो आप पढ़ते हो उसमें सब छोटा, अगर सब छोटा तो लिखें
वन इंटू साइन आई इक्वल टू एन इंटू साइन आर। बोलो आई और आर वन छोटा बड़ा? अगर छोटा तो साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली, साइन आर वन इज अप्रोक्सीमेटली। क्या आई इज अप्रोक्सीमेटली एन आर वन? अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? इन द सेम वे क्या एन इंटू साइन आर टू इक्वल्स टू वन इंटू साइन ई, क्या एन आर टू इज अप्रोक्सीमेटली ई? एन आर टू इज अप्रोक्सीमेटली। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। अरे पक्का? बस अब क्या था, डेल्टा क्या है? I प्लस E माइनस A। व्हाट इज I? व्हाट इज E? N R1 प्लस R2 माइनस A। व्हाट इज R1 प्लस R2? तो क्या आंसर आया? N माइनस 1 इनटू A। तो थिन प्रिज्म से किसे डेविएशन का फॉर्मूला किसका? अगर रटना हो जनरलाइज ऐसे रटो, दे समझ में आएगा है ना? अगर थिन प्रिज्म हो तो ऐसे डायग्राम बनाया जाता है, ए स्मॉल, तो ऐसे दिखाई जाती है कि अगर रे ऐसे आई तो रे ऐसे गई, ये डेल्टा है और डेल्टा का फॉर्मूला है ये है एन ऑफ प्रिज्म, ये है एन ऑफ सराउंडिंग, एन ऑफ प्रिज्म बाई एन ऑफ सराउंडिंग माइनस वन इंटू ए। ध्यान से सोचो, तुम्हें बात समझ आएगी। अरे हाँ ना बोल यार। थिन प्रिज्म से डेविएशन का फॉर्मूला आया एन ऑफ प्रिज्म बाई एन ऑफ सराउंडिंग, यहाँ पे फॉर्मूला था एन माइनस वन इंटू ए, क्योंकि मैंने सराउंडिंग मीडियम क्या लिया था? वन। क्या लिया था? वन। अगर वन नहीं लेता तो क्या एन पी बाई एन एस आ जाता? एन पी मीन्स वॉट? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। एन एस मतलब? यार तुम्हें नहीं आया? बोलो पक्का? अपन कुछ नहीं बोला तो यही मानना है, और मान लो आप उलझाने पे आए तो फिर अपने को बेसिक नहीं आएगा थिन प्रिज्म की जब भी बात आएगी, टेंशन मत ले, है ना? मोरे 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 मोरे। सो सपोज मैं आपसे बोलूं लल्लू सा सवाल यूं ही ओरली, मैं आपसे बोलूं एंगल ऑफ प्रिज्म है 2 डिग्री, कितना? 2 डिग्री। एयर में रखा हुआ है, रेफरेंस इंडेक्स है 1.5, डेविएशन क्या होगा? ओरली आंसर दें, ओरली आंसर दें, कोई बुराई नहीं है, सोच लो। तो अगर ये बेसिक डेविएशन आ जाए तो हमें कोई कष्ट नहीं है। अरे सोच लो, n माइनस वन इंटू ए, 1.5 माइनस वन इंटू टू, इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। इस पर सवाल करने कोई लॉजिक नहीं। कभी कभी सवाल में क्या करते हैं कि ऐसे प्रिज्म रख के देख ध्यान से, कभी कभी क्या करते हैं ऐसे प्रिज्म रख के उसके सामने मिरर विरर रख लेते हैं। अगर मिरर भी रख दें तो हमें डरने वाली बात भाई, डेविएशन पहले कितना है वो अपने को दिखाई दिया, फिर अपन ने ऐसे प्रिज्म रख दिया, ये अपन ने ऐसे रखा तो डेविएशन कितना होगा बताना बड़ी बात नहीं है। अरे कभी तो हाँ ना बोल। yes, sir। मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ जिसे कहते हैं अपेरेंट शिफ्ट फ्रॉम अ थिन प्रिज्म, अपेरेंट शिफ्ट। ये हालांकि यहाँ यूज नहीं आता, ये यूज आएगा फ्रेजनल्स बाई प्रिज्म में जब आप पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स। कौन सा चैप्टर ये? वेव ऑप्टिक्स में एक चीज होती है फ्रेजनल्स बाई प्रिज्म, वहां कभी नहीं सुना होगा? नहीं सुना कोई बात नहीं, यहाँ पर पढ़ाया जाएगा तब यूज आएगा। खैर अभी सुन लो, अपेरेंट शिफ्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, कभी आ जाए तो अपने को याद रहे। अपेरेंट शिफ्ट फ्रॉम अ थिन प्रिज्म, सुन कोई बहुत बड़ी हेडिंग नहीं है, खत्म हो जाएगी। फ्रॉम अ थिन प्रिज्म, सुन समझ ले फिर उतारना ध्यान, सुन। अपेरेंट शिफ्ट फ्रॉम अ थिन प्रिज्म, मान लीजिए आपका थिन प्रिज्म है, ठीक। अब ऐसा बोला जाता है कि मान लीजिए इस थिन प्रिज्म का एंगल ए है, रेफरेंस इंडेक्स एन है। मान लीजिए बोला गया इस थिन प्रिज्म से ए दूरी पर, मैं सेंटर से इसलिए दूरी ले रहा हूँ क्योंकि बहुत पतला प्रिज्म है, पतला प्रिज्म है तो यहां से लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हाँ ना बोल यार। yes। मान लीजिए कि इससे ए दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जर्वर इधर है, तो आपको नहीं लगता कि इमेज यहां नजर आएगी या कहीं थोड़ी शिफ्ट? अरे नहीं आया। yes, तो प्रिज्म ने इमेज को कितना शिफ्ट कर दिया वो बेसिकली निकाला जाता है थिन प्रिज्म के केस में। किसके केस में? तो ऐसे समझा जाता है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक रे ऐसे गई, जो रे ऐसे गई वो टकरा के ऐसे गई, डेल्टा डेविएशन आया, डेविएशन डेल्टा कितना होता है आप लोग जानते हो। एक रे मान लीजिए ऐसे गई, टकरा के ऐसे गई, और यहाँ पे अपनी आँख थी, तो ध्यान से देखो इन दोनों आँखों को मिलती हुई इमेज यहाँ कहीं दिखाई दी,
तुम्हें मेरी बात समझ अरे आई कि नहीं आई। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था वो इस वाले ऑब्जर्वर को बेसिकली यहाँ नजर आया, इसे कहते हैं शिफ्ट। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये एंगल डेल्टा है, तो आपको समझ में आएगा ये एंगल भी डेल्टा है। और आप लोग जानते हो कि डेल्टा एन माइनस वन इंटू ए है, क्योंकि थिन प्रिज्म है। क्योंकि अच्छा थिन प्रिज्म है, ए छोटा है तो क्या डेल्टा भी छोटा है? ए छोटा है तो डेल्टा भी छोटा है। अब आप समझे कि टेन डेल्टा क्या चीज इज बेसिकली शिफ्ट बाई ए। टेन डेल्टा इज बेसिकली, अच्छा डेल्टा छोटा है कि बड़ा? तो क्या दिस इज अप्रोक्सीमेटली डेल्टा? सो एस इज बेसिकली अप्रोक्सीमेटली डेल्टा इंटू ए, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली एन माइनस वन इंटू ए इंटू ए। ये दोनों ए अलग अलग है, सेम है? ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रिज्म है। बोलिए सो नो। तो ये फॉर्मूला अगर याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं। ये आगे वाले चैप्टर में भी काम आएगा, पर क्योंकि यहीं पढ़ लेना चाहिए इसलिए आपको बताया गया है। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ। अगले टर्म पे इसको खत्म करके प्रिज्म का काम दूंगा पूरा एक साथ।